सुना है या अगर 90s बोले तो जहन में आता है कुछ? या आई मीन मैं 90s की हूं तो आई रिमेंबर एवरीथिंग. मुझे सबसे ज्यादा जो मैं मिस करती हूं वो है कार्टून्स. व्हिच कार्टून्स यू यूज्ड टू सी? यार आई मिस करेज द कबड्डी डॉग. आई दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट 90s का. व्हाट अबाउट यू? I was born in the 90s. Yeah, in the end, so no, I don't remember. No, but कुछ सुना कभी? कहाँ मिला? या कभी हमारे ज़माने में ये होता था या 90s में होता था कुछ ऐसा सुना है? CBS का कुछ सिस्टम होता था. CBS का बहुत ज़्यादा होता था. फिर वो मैंने इसमें जिसके ट्रेलर में भी I've seen the hint of it. So I'm excited. What is it about? VCR and stuff. I've seen that. आपने देखा हुआ है जिस जिससे VCR देखा हुआ है आप वो लाइक आपने अम्मा का देखा हुआ है मेरा अपना नहीं. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. चलिए वी सी यू इनसाइड. थैंक यू राम. कब रोल पे हम? हां ऑफ क्या रोल के? ऑफ कोर्स रोल पे हम. अच्छा तो क्या करना है? कोई 90s का स्टेप आपको आता है या कभी? ये लोग मुझे कह रहे थे, मैंने बोला हम ये पूछ रहे थे, नोबडी विल डांस. आई लाइक फैजान विल डांस. नो नो आई विल. अरे आई नो ही लव्स डूइंग. बजाज भाई मिले कहने कौन सा डांस कहां हो रहा है बताओ. अल्लाह का शुक्र आप बताएं कैसे. तो आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है या आप उसके बाद आपके जमाने में जा चुका था एंड इजीली अवेलेबल थी हर चीज? नहीं नहीं हमने ये सब कुछ किया हुआ है और वो हाथ से इसको रिवाइंड भी करते थे. अच्छा चाबी से? चाबी से. चाबी से. सो हाउ मेनी थिंग्स यू यूज? हाथ, चाबी और क्या वो स्क्रू ड्राइवर? चम्मच? चम्मच का मुझे नहीं पता. चम्मच मैंने नहीं ट्राई किया तो आई डोंट नो. बट ये कि चाबी वाज द बेस्ट थिंग. चाबी वाज द गो टू. वीएचएस होते हैं इसको रिवाइंड करना होता था जब. हां उसकी रील फंस जाए अगर फंस जाती थी निकाल के उसको करते हैं. या 90s का गाना कोई याद है आपको? 90s का गाना जादू का चिराग बाय आवाज. आप खुद ही बता. याद नहीं आ रहा बट सुनाऊंगा. तू मेरे लिए जादू का चिराग है. अच्छा गा रहे हैं आप. बोल अच्छा गा रहे हैं. हां खोया है तू. I love seeing you. माशाल्लाह से हर दूसरे जामे में आजकल आप नजर आते हैं. ये आपकी तरफ से आना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हर दूसरे ड्रामे में. नहीं माशाल्लाह से एंड आई लव योर परफॉर्मेंसेस. माशाल्लाह से सच अ वैरायटी. हम डिफरेंट चीज देखते हैं हर ड्रामे में. आप एक डिफरेंट रोल में देखते हैं. आई लाइक इट. थैंक यू सो मच. फायदा ये हुआ है क्योंकि इन लोगों के रिव्यूज सुन सुन के मैंने ये सीखा कि एक्चुअली माओं को ऐसा होना चाहिए. अच्छा हम थोड़ा सा आगे आ जाए. ठीक है हम कैमरे में कवर हैं. अच्छा आप क्या हाल चाल है भाई आपके? आई तो नहीं मैम. मैं आई एम अ फैन ऑफ योर्स. डू यू नो दैट? आप उधर देखिए लाइक ओके आई एम अ फैन ऑफ योर्स. थैंक यू वेरी मच. आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंसेस. अभी आप लोग मूवी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक चीज़ है कोई 90s की चीज़ याद है आप लोगों को? मुझे मूवीज से खास बात मुझे एक तो इसका नाम बहुत अट्रैक्ट किया. नाबालिग अपराध. हाँ तो वो बड़ा कैची सा नाम है. तो अब देखते हैं कॉन्टेंट किस तरह का होता है. बट फॉर द बेस्ट फॉर द टीम नाबालिग अपराध और मूवी पाकिस्तान में मूवी का बनना और फिर मूवी का चलना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ड्रामे शो में तो चलते रहते हैं. बेस्ट ऑफ द लक शो तो बोलती हूँ. 90s का क्या याद है? एक्चुअली बात यह है कि जैसे ही मूवी का हमने ट्रेलर देखा है जो टीजर आया है उसमें VCR का होना VHS एंड उसके अंदर वो जो मूवी है और मुझे लगता ही है कि वो जो फंसी हुई फिल्म है और फिर दो बच्चों का बैठा होना. तो एक तो टॉपिक बहुत सीरियस बहुत तरीके से हैंडल किया हुआ ह्यूमर को ले के बात की गई है. एंड फिज़ा एंड नबील इसमें कोई शक नहीं है. उनका काम हमेशा देखा गया है और माना गया है. उनको पता है ऑडियंस को किस तरह मैसेज भी देना है और एंटरटेनमेंट भी देनी है. तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज ज़रूर होगा बट विद अ ग्रेट मैसेज. और यस हम जो 90s वाले हैं उनको ज़रा पुरानी यादें जो हमने गलतियाँ की हैं मुझे लगता है वो सब दिखाने वाले हैं. चलें वी सी यू इनसाइड इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. टेल मी 90s बोलो तो क्या जहन में आता है? सब सेट है. सब सेट. ओके इट टुक मी अ मिनट टू रिमेंबर. गाना 90s का कौन सा? उफ तेरी दिल की दिल को जलाने लगी दिलवा तू मुझे नखरे दिखाने. काली काली आंखें. फिल्म 90s की फिल्म. हम दिल दे चुके सनम. सॉरी यार. डिड यू क्राई वाचिंग दैट फिल्म? मैं तो मुझे तो रोने का बहाना चाहिए. हाँ हाँ मैं रोई थी. बाय द वे आई लव योर आईलाइनर. रियली मैंने करीब से देखा इट्स रियली कूल बाय द वे. या थैंक यू. सो फिल्म हो गई म्यूजिक हो गया. 90s का फेवरेट फूड कुछ ऐसा है जो अब नहीं है यू थिंक तब होता था? डोनेजल. डोनेजल वो क्या है? नॉर्थ आजाबाद में एक खाने की जगह. ओके आई डोंट नो. अच्छा अच्छा जब मेरी शादी नहीं हुई थी अब मैं खाने खाती थी वो वाला. 90s का फेवरेट आउटफिट या स्टाइल?
90s का फेवरेट स्टाइल घेर वाली शलवार और छोटी शर्ट, वो तो आज ही पहनो तो अच्छा लगता है। हाँ, मानी को हमेशा आप स्क्रीन पे देखती है तो क्या पहला रिएक्शन क्या होता है? यू लाइक मानी? आई लव मानी, वी ऑल नो दैट, सब सेट है और मैं बस फैन हूँ मानी की। और मुझे अभी भी जब मानी स्क्रीन पे आता है तो वो मुझे बॉबी लगता है। अभी भी वही वाली फीलिंग होती है? बॉबी, यस। हाँ सीरियसली मानी इधर आएंगे आप? आपकी बेगम क्या कह रही है? माय बॉबी फ्रॉम सब सेट है। आपकी बेगम क्या कह रही है? वो कह रही है जब अभी भी आपको स्क्रीन पे देखती है दिल में कुछ कुछ होता है उसी तरीके से, बस ये थोड़ा नाराज रहती है, कह रही है आजकल मुझे तुम मेरे तस्ते नहीं मानते और तुम मुझे ये रील्स में देख देख के लोग बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बता रहा हूँ। Really? अच्छा ये बात तो हीरा से तो मैं चलो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं जिम में था अभी कल, तो आप उधर देख के बताएं, जिम में था कल तो एक लड़की अपनी नियाँ से लड़ रही थी, उनकी शादी को 1.5 साल हुए थे, हमारी शादी को 17वां साल है, ये 17 ईयर लग गया है, तो आई डी कार्ड में कम करा लेते हैं हम लोग 8-10। हमारे टाइम पे आई डी कार्ड में उम्र कम हो सकती है ना कुछ? अब नहीं बताएं, आपने ऐसा कुछ किया है आपके साथ हुआ, VCR फंस गया या नहीं है, क्या हुआ? मैं बल्कि अभी किसी ने मुझे क्लिप भेजा था, किसी ने मुझे किसी जर्नलिस्ट ने, उसने इस फिल्म की ट्रेलर देखा और हमारी एपिसोड उठाई है सबसेटे की 24 साल पुरानी, उसमें ये एक एपिसोड है। आई डिडंट नो दैट, ये अभी किसी ने, अभी मुझे किसी ने भेजा था, मैंने भी किसी को भेजा। चले वी विल लेट यू गो एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द मूवी। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नाम आलम बकरा, सो आई एम रियली रियली होपिंग कि अब दिस वन विल बीट दैट। I hope so. You we all hope so. Achha, aap I think it can. I think it can and it should. So is it Naam Aalam Afraad your favorite child? That kind of a thing, नहीं? Favorite movie नहीं है? यार लेकिन वो पहली movie है तो वो हमेशा special रहेगी. ये एक novelty है. So you will be okay ये उसको beat कर दे तो? हाँ, it doesn't matter. नहीं नहीं. Of course. मतलब business wise beat करे. So that will make more movies. No popularity में beat करे. That is what you want. तो ये आया कैसे ख्याल आपको ये movie करने का? Why this one particular? अपने कोई एक्सपीरियंस का याद आ गया एकदम से आपने सोचा बनाता हूं या एक्सपीरियंस का नहीं, ऐसा मैं अगर मैं देखूं इफ द बेसिक कांसेप्ट ऑफ टेप गेटिंग लाइक स्टक इन द वीसीआर दैट आईडिया केम राइट आफ्टर नाम आलम अफराद इवन द नेम बट देन देयर वाज नो स्टोरी लाइन बट दिस जस्ट दैट द आईडिया बट दिस होल स्टोरी लाइन लाइक यू नो केम अप आई थिंक 2-3 इयर्स बैक एंड वी वर लाइक यू नो वर्किंग ऑन इट स्लोली व्हेनेवर वी गेट टाइम वी थिंक अबाउट इट वी लाइक यू नो there was lot of other you know plots about the same movie there was several different you know things we explored before like you know making this one so but I think fir wo ek cheez hone wali hoti to ho jati hai but mujhe batai 90s ka favorite song aapka kaun sa hai agar 90s bolo to gana kaun sa zehen mein aata hai pakistani gaane to hain hi hain pakistani sunna hai mujhe ha pakistani gaane sunna hai maine sunna hai of course I know you sing very well you have to sing no no nahi gaate abhi नहीं आप इतना अच्छा गाते हैं आप लोगों को पता है ना बट 90s के बहुत सारे गाने लाइक व्हिच वन आप सुनाएंगे तो मेरे फेवरेट तो मेरे मतलब लाइक उस तरह तो नहीं है बट लाइक उस दौर में बहुत सुनते थे।